वृंदावन पुलिस ने सौसैया अस्पताल के समीप आबकारी टीम के साथ छापामार कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में से 40 लाख रुपए की देशी शराब बरामद की गई है, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के निर्देशन में जनपद भर में चलाए जा रहे शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान के तहत वृंदावन पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की शराब बरामद की है। पुलिस को खबर मिली कि कुछ शराब तस्कर एक ट्रक में अवैध देशी शराब का जखीरा ले जा रहे हैं। इस सूचना पर वृंदावन पुलिस और आबकारी टीम ने सौसैया अस्पताल के समीप चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत पुलिस ने सामने से आते ट्रक को रुकवा कर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें से 996 पेटी अवैध नगीना देशी शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से शराब तस्कर सुखविंदर सिंह पुत्र मुख्तियार निवासी जनपद पटियाला को गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में पत्रकार वार्ता में एसपी क्राइम अशोक कुमार मीणा ने विस्तृत जानकारी दी। जैसा आप सभी को विदित है कि अभी हाल ही में अप्रेषित शराब जहरीली शराब के संबंध में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मथुरा पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत एक ट्रक पकड़ा गया जिसके अंदर पीओपी के कट्टों के नीचे 996 पेटी नगीना जो कि पीपी मार्क की शराब थी, अवैध शराब थी, वो पकड़ा गया है। इसकी कीमत 40 लाख के करीब है और ये शराब भटिंडा पटियाला से गोंडा के लिए ले जाई जा रही थी। कितनी